की अपील पर प्रतापगढ़ में क्लिनिक और हॉस्पिटल संचालित करने वाले डॉक्टरों ने ओपीडी शुरू तो कर दी, लेकिन उनको इस बात का डर सता रहा है कि अगर एक भी कोरोना संदिग्ध क्लिनिक या नर्सिंग होम में आ गया और बाद में वो पॉजिटिव निकलता है तो नर्सिंग होम को सील कर उन्हें भी आइसोलेट कर दिया जाएगा। हालांकि संचालक पूरी एहतियात बरत रहे हैं, आने वाले मरीजों का टेम्परेचर चेक करने के बाद हाथ सैनिटाइज कराने के बाद ही मरीजों को प्रवेश दिया जाता है, लेकिन सरकार द्वारा क्लिनिक और हॉस्पिटल संचालकों को पीपीई किट नहीं दी गई है, अपने स्तर से ही सब कुछ मैनेज करना पड़ रहा है। बता दें कि लॉकडाउन 2 में चिकित्सकों को ओपीडी संचालित करने को कहा गया था, लेकिन अब कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ओपीडी संचालक डर रहे हैं। देखिए, पहले की ओपीडी तो जब खुली हुई थी हर चीज़ ओपन था, तो बहुत सारी ओपीडी हर तरह के मरीज अटेंड करता था, लेकिन आज के ज़माने में जब इस समय जो कोरोना या वैश्विक भी महामारी ये फैली हुई है, इसमें हम लोग भी थोड़ा सा सतर्क हैं। सतर्क इस सेंस में है कि चूंकि ये बीमारी और जनरल वायरल फीवर में कोई विशेष अंतर नहीं है, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं, थोड़ा सा अंतर इसमें है कि इस कोरोना में हाई ग्रेड फीवर और ड्राई कफ खांसी सूखी हो रही है, तो इसको थोड़ा सा प्लस उस तो इस तरह के मरीज कभी आते हैं तो जो मेरा पर्चा बनाने वाला बाहर काउंटर पे है उससे हम लोग कह देते हैं, फिर थोड़ी जानकारी करो कि कहाँ से आए हो, कहीं आपके गांव में इस तरह का क्वारंटाइन एरिया से तो नहीं आए हो, या तुमको क्या बीमारी है। अगर इस तरह की खांसी और हाई ग्रेड फीवर है तो हम लोग कोशिश करते हैं भाई इसका काउंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, वहाँ जाके आप दिखाइए, और बाकी अगर कोई वहाँ जाँच वोच होगी तो वहाँ हो जाएगी। बाकी और सारे मरीजों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और जैसे हार्ट के मरीज पेशेंट मतलब फीवर है या कहते हैं हार्ट है या पेन एब्डामिन है, उन पेशेंट्स को हम लोग देख रहे हैं। हालांकि चूंकि लॉकडाउन है, साधन नहीं है, सुविधा नहीं है, तो इसलिए मरीजों की संख्या कुल मिलाकर पहले से बहुत ही कम है।